कान पे मारो सीधी। कसम चचा की बड़ी जवानी की, माँ चोद देंगे पाकिस्तानी की। अरे सर तुम्हें पता है अभी अभी पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करने वाला है। क्या माँ चोद देंगे भोसड़ी वाले चचा फौज में हमारे। अभी रॉय एजेंसी को फोन करके इन्फॉर्म करता हूँ। हेलो सर, क्या आपको पता है पाकिस्तान इंडिया पर सचिव स्ट्राइक करने वाला है? तो क्या वो ऐसा अगर कुछ होता तो हमको पता चल जाता? तुम बस शांत रहो, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती तो हमको पहले पता चलता। हाँ वो सब मैं संभाल लूँगा। क्या ठंडा रखो दिमाग। अरे सर तुम ठंडा रखने के हर बार का निकाह यही हो गया है, कभी कहीं पर ब्लास्ट, कभी कहीं पर ब्लास्ट, कहीं कहीं पर अटैक। हम हर बार यही सोच कर रह जाते हैं, हम कुछ कभी करते ही नहीं हैं, तुम हर बार ये कर देते हो। दिमाग को शांत रखो, ठंडा रखो। याद है वो आपको 26/11 कितनी जगह ब्लास्ट हुए थे? तुम बस शांत रहो, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती तो हमको पहले पता चलता। चचा को जरूर बताऊंगा। अरे चचा तू उधर गन लोड कर रहा है, उधर पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करने वाला, पता है तेरे को? अपनी रॉयल एजेंसी को बताना, मेरे को क्या बता रहा है, मैं तो रिटायर फौजी हूँ। बोला था ना, बस ये कह रहे थे दिमाग को ठंडा रखो, हर बार अपने दिमाग को ठंडा करते रहो, पाकिस्तान यहाँ पर अटैक करता रहे। याद है वो 26/11 का हमला, कितने ब्लास्ट हुए थे, कितने लोग मारे गए थे, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। सरकार बोलती है हाथ रख के बैठे रहो, बस कुछ नहीं होने का, शांत रहो बस। सुन मैं तो अंधा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा है अपनी टीम से बोल, जो करना है जो करे, मुझे तुम्हारे मसले में नहीं पड़ना है। पहले इस देश ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है, अंधा हो गया तो नौकरी से निकाल दिया। अरे चचा अपन नहीं करेगा तो कौन करेगा इस देश की फिगर? मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम ना सकते। एक पाकिस्तानी हमारे देश में घूम रहा है, अगर किसी जगह और ब्लास्ट हो गया तो बहुत सारे बेकसूर लोग मारे जाएंगे। मैं वैसा गंदा फौजी हूँ, पर इस देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे इस मिशन पर लगना पड़ेगा। मैं वैसा एक गंदा फौजी हूँ, फिर भी इस देश की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मुझे जाना पड़ेगा इस मिशन पर। डॉक्टर करण, इससे पहले वो पाकिस्तानी किसी जगह ब्लास्ट करे इंडिया में तो मैं उसे ढूंढकर रोकना होगा, ये तुम्हारा फर्ज है, तुम एक इंस्पेक्टर हो और तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हें उसको ढूंढना है और ढेर करना है आज, क्योंकि अगर किसी जगह ब्लास्ट हो गया बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। और अपनी टीम में हमारे साथ कोई नहीं दे रहा, ऊपर से ऑर्डर अभी आए नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा आज ही, आज मैं उसका पता लगा कर और ये सब कुछ रोकना पड़ेगा। तुम्हारे समझ में आ रहा है ना? यस सर। लेकिन सर हम ऊपर क्या जवाब देंगे? तुम उसकी फिक्र मत करो, वो सब मैं ऊपर संभाल लूंगा सब कुछ, बस तुम्हें उसको दौड़ के रोकना होगा। चचा के होते हुए पाकिस्तान इंडिया में, कसम चचा की बड़ी जवानी की, माँ चोद देंगे पाकिस्तानी की। कौन है मैं बहन की लड़की के? मोटा मोटा लंबा लंबा क्या ये?
क्या ये हाथी की पांचवी टांग तो नहीं? चचा भी मिशन पे है, चचा अब सीधा जाएगा। अरे अरे भाई साहब, कौन हो तुम? कहीं लगी तो नहीं? नहीं भाई, नहीं भाई, आप जाइए। ओए, एक मिनट। सरासर में एक पाकिस्तानी को ढूंढने आऊं, वो इंडिया में अटैक करने वाला है आज। क्या तुमने उसे देखा? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे जनाब, अपने काम से काम रखिए। मैं अंधा हूँ, फिर भी अगर वो बहन की लौड़ी का मिल गया, गली के कुत्तों से गांड मरवा दूंगा साले की। साले गन तो लोड कर लू, साले मिनती गांड पे गोली मारूंगा साले की। सर अभी भी मालूम पड़ता गोली चली है इधर। साली गोली चल गई। बहन की लौड़ी का मर गया क्या? अरे मेजर चाचा, तुम यहाँ पर अभी भी गोली चली थी। अरे वो मेरी गन से चल गई, लगता है कोई मर गया। इंस्पेक्टर करण, ये तो वो टेररिस्ट है जिसे हम ढूंढ रहे थे। हमारे पूरी टीम ने नहीं ढूंढ पाया इसको, कुछ नहीं कर पाया। चचा ने इसको खत्म कर दिया। वाह चचा, मानना पड़ेगा चचा। तो मेजर चचा, तुमने देश के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने देश को बचाया है टेररिस्ट से। आज हमको यकीन हो गया हमारी हिंदुस्तान की आर्मी पर, कि हमारी आर्मी कितनी ज्यादा पावरफुल है। अंधे होकर भी तुमने देश को बचा लिया। तो कल तुम्हारा इंटरव्यू है टीवी पर, युवा लड़कों के लिए तुम्हारी नई कोई सीख जिसे तुम टीवी पर देना चाहो? गांड में मारो सीधी। तो हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो में बनाने में, शूट करने में काफी टाइम लग गया और एडिट में भी। सो प्लीज भाई, इतना तो कर ही सकते हो, वीडियो लाइक करो, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना सबके पास। और एक हिंदुस्तानी किसके बराबर है? 100 के एक हिंदुस्तानी। 100 के